वहीं फरीदाबाद में हरियाणा मिड डे मील और डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने समान काम समान वेतन और 6 महीने से रुकी तनख्वाह देने के लिए सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा। मिड डे मील वर्करों का कहना है कि वे 3,500 की सैलरी में भी काम करने को मजबूर हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पाता। इस समय सेक्टर 12 डीसी कार्यालय के बाहर गेट पर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ इनका मामला, किस तरीके किस बात को लेकर ये नाराजगी है। पहले तो ये बताइए आप लोग हैं कौन? हम जो है स्कूल कर्मचारी हैं, स्कूल में मिड डे मील है, पार्ट टाइम है और डीटीएच चौकीदार है। इन कर्मचारियों को नाम मात्र का वेतन दे रही है सरकार। सरकार कहती है कि समान काम समान वेतन। चौकीदार को 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है, स्कूल टाइम पे 18 घंटे की ड्यूटी है। स्कूल टाइम है तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि हमें भी कुछ लाभ दिया जाए। जो हमने सेवा कर रहे हैं, इस सेवा का कम से कम हमें उतना तो मिले, समान काम समान वेतन का वो तो मिले, बच्चों की परवरिश हो जाए। 7,000 में या 3,500 रुपए में या 2,600 रुपए में गुजारा हो जाएगा क्या? और आज जो है ये अपने पेट के लिए, अपनी भूख के लिए, यहाँ ये मातृशक्ति, ये भाई, ये सारे यहाँ इसीलिए कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। किसको दोगे? हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो कहने कहीं डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, आप बताएंगे किस लिए आए हैं आप लोग, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए क्योंकि हमारी बहनों की नहीं तो तनख्वाह आ रही है, बिल्कुल 3,500 रुपए मिलते हैं मिड डे मील को, वो भी 6 महीना में, 8 महीना में, 1 साल में एक बार मिलते हैं। क्योंकि ये अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करें, कैसे गुजारा करें इस कोरोना काल में। इसने ड्यूटी करी है, सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह डाली है, बाकी पूरी साल की तनख्वाह गायब है अभी तक। कितने स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें अभी तक जो हमारी 6 महीने की सैलरी बन रही थी, आज 2 महीने की सैलरी 3-4 स्कूलों की अभी तक नहीं डाली है। हर स्कूल में 2 महीने की सैलरी डाल दी है। 3,500 रुपए हमारे कर्मचारी को मिलता है, उसमें हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं है। हिसाब से हमारी मुलाकात कोई नहीं, इन्होंने जो बोला है ठीक है कि साफ तौर पर इनकी सैलरी नहीं मिल रही और काफी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, इनके काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। और अब यहाँ डीसी को अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, देखना होगा सरकार इन पर कब तक संज्ञान लेती है। फरीदाबाद